या फिर शायद खेसारी जी बोल रहे थे 22 में बाइसिकल के बारे में, तो उनका दिल टूटा होगा कि 22 में बाइसिकल नहीं आई, इस वजह से शायद नहीं आ रहे होंगे, ऐसा ही कुछ होगा रीजन। और आज मैं अगर हीरो हूँ तो दिनेश लाल यादव का देन है, क्योंकि दिनेश भैया ने जब मेरी सिनेमा रिलीज नहीं हो रही थी तो अपने पास से खेसारी के लिए 25 लाख रुपया उन्होंने दिया था कि खेसारी का सिनेमा रिलीज करा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार चुनाव के तरफ बड़ा आकर्षित रहते हैं और जैसे ही उनको टिकट मिले वो कहीं नहीं चूकते हैं चुनाव लड़ने से। चाहे आप रवि किशन को देख लीजिए, मनोज तिवारी को देख लीजिए, या फिर इनफैक्ट सबसे बेस्ट और ताज़ा एग्जांपल दिनेश लाल यादव निरहुआ की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर भोजपुरी के सुपरस्टार हैं तो भोजपुरी को एकजुट होकर चुनाव प्रचार करना चाहिए और दिनेश लाल यादव निरहुआ को जितवा देना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि आखिर खेसारी लाल यादव दिनेश लाल यादव निरहुआ के चुनाव प्रचार में क्यों नहीं पहुँचे? क्या अखिलेश यादव के लिए खेसारी लाल यादव इतना इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को छोड़ के दूसरे का चुनाव प्रचार की वजह से दिनेश लाल यादव निरहुआ में नहीं पहुंचे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी भले ही चुनाव प्रचार खत्म हो चुका हो, लोगों ने वोट डाल दिया हो और एक दो दिन में रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर दिनेश लाल यादव निरहुआ के चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव क्यों नहीं पहुंचे। आइए इस वीडियो में गहराई से एक एक करके जानते हैं क्या मुख्य वजह रही होगी। खेसारी जी बोल रहे थे 22 में बाइसिकल के बारे में, तो उनका दिल टूटा होगा कि 22 में बाइसिकल नहीं आई, इस वजह से शायद नहीं आ रहे होंगे, ऐसा ही कुछ होगा रीजन। और क्या रीजन हो सकता है? दोस्तों दिनेश लाल यादव निरहुआ के पिछले स्टोरी को देखा जाए तो पता चलता है कि वो भी खेसारी लाल यादव से खूब ज्यादा दोस्ती नहीं निभाते हैं। जैसे ये वीडियो क्लिप देखिए। जो लकीर खींच दिया उसी पे रेंगो, बस बनो चुपचाप। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब इस वीडियो से बड़ा आसान है अनुमान लगाना कि ये खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हुए ही वीडियो को अपलोड किया गया है। यही नहीं दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं वो एक टिपिकल सुपरस्टार की तरह सोचते हैं। जैसे कैसे भोजपुरी के सुपरस्टार लड़ते हैं, हम बड़े, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक नेता की तरह सोचना चाहिए सबको मैनेज करवाने के लिए। तो वो भी कुछ इस प्रकार से ही बोलते हैं कि नहीं, सबसे बड़े तो हम ही हैं। तो 1 2 3 ये तीनों नंबर पे तो मेरी ही फिल्म है, तो उसके बाद लड़ो, 1 2 3 तो सीट खाली ही नहीं है। लेकिन अगर पिछले कुछ वीडियो को देखा जाए तो पता चलता है कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो दिनेश लाल यादव निरहुआ की खूब इज्जत करते हैं, और इज्जत करने का कारण भी है। और ये कारण ये है कि खेसारी लाल यादव के फिल्म को रिलीज करने के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कुछ पैसे वैसे दिए थे। आज मैं अगर हीरो हूँ तो दिनेश लाल यादव का देन है, क्योंकि दिनेश भैया ने जब मेरी सिनेमा रिलीज नहीं हो रही थी तो अपने पास से खेसारी के लिए 25 लाख रुपया उन्होंने दिया था कि खेसारी का सिनेमा रिलीज करा दीजिए। लेकिन दोस्तों अगर बात करें हाल ही में दिए हुए इंटरव्यू के बारे में, जो कि आरती न्यूज पे अम्रपाली दुबे ने दिया था, जिसमें वो साफ तौर पे कहती है कि हमने खेसारी लाल यादव को बुलाया था लेकिन वही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए। और हमने बुलाया भी था फोन करके, हमने रिक्वेस्ट की थी कि आइए, पर उनकी व्यस्तता होगी। लेकिन दोस्त यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के संबंध अगर पिछले वीडियो से देखा जाए, कुछ कंट्रोवर्सी से देखा जाए, तो उतने ज्यादा पक्के वाले नजर नहीं आते हैं। अब यहाँ पे समझने की जरूरत ही है कि आखिर ये सवाल दिनेश लाल यादव निरहुआ के बजाय अम्रपाली दुबे से क्यों पूछा गया। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं वो 100 से भी ज़्यादा लगभग इंटरव्यू छोटे बड़े दे चुके होंगे, और उसमें किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ से पूछें कि आप ये बताइए कि आपके चुनावी रैली में खेसारी लाल यादव क्यों नहीं आए। खैर आप नीचे कमेंट में बताइए कि क्यों नहीं किसी रिपोर्टर ने पूछा होगा दिनेश लाल यादव निरहुआ से कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आप ये बताइए कि खेसारी लाल यादव आपके चुनाव प्रचार में क्यों नहीं आए। निरहुआ के नहीं बुलाने का कारण और खेसारी लाल यादव के नहीं जाने का कारण एक मुख्य ये हो सकता है कि खेसारी लाल यादव के संबंध दिनेश लाल यादव निरहुआ से उतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, जिसके वजह से खेसारी लाल यादव जा सके चुनावी रैली में। दोस्तों हाल ही में रिलीज एक फोटोग्राफ तो ये भी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि खेसारी लाल यादव तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अखिलेश यादव के पार्टी से जुड़े हुए हैं। और खेसारी का ये कहना है कि उम्र हो जाएगा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं रहेगा, तो हम चुनाव में भी आ सकते हैं, तो
संबंध वो खेसारी लाल यादव का अखिलेश यादव से बड़ा तगड़ा है। खेसारी जी बोल रहे थे 22 में बाइसिकल के बारे में, तो उनका दिल टूटा होगा कि 22 में बाइसिकल नहीं आई। तो अगर खेसारी लाल यादव के कथन अनुसार खेसारी लाल यादव का कोई सपोर्ट भोजपुरी में नहीं करता है, कुछ नेता करते हैं, तो उससे वो संबंध क्यों खराब करे? और खेसारी लाल यादव ने बहुत ही तगड़े तरीके से इन चीजों को हैंडल किया है। ना तो वो अखिलेश यादव से खराब किए हैं और ना ही दिनेश लाल यादव ने रहुआ को नाराज किए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राजनीतिक समझने की कोशिश कीजिए। योगी बाबा ने सबसे पहले ये सोचा होगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बड़ा नाम है, बीजेपी का लहर है ही, और सबसे मुख्य चीज दिनेश लाल यादव निरहुआ। आजमगढ़ जो है वो यादवों का गढ़ है। इन सब चीजों को देखते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, यहाँ पे देखा जा सकता है कि अग्निवीर आने की वजह से बीजेपी थोड़ा सा परेशान है दंगों और लोगों की नाराजगी को झेलते हुए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के रैली में एक भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार जिनके नाम के टाइटल में यादव लगता हो, वो एक भी कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ के रैली में नहीं आए हैं। अभी अगर यहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत होती है तो यहाँ पे मुख्य भूमिका जो है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम का होगा या फिर उनके चुनाव करने के प्रचार के तरीके से होगा कि वो दिनेश लाल यादव निरहुआ लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हैं जिससे लोग उनको वोट दिए हों और वो जीत पाएं। दोस्तों हम तो यही चाहेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत हो और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा नेता मिले। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी ओरिजिनल प्रतिक्रिया क्या है, वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।